दोस्तों, कृष्णास्मि आपका स्वागत है। और आज यूपीएससी जीएस हिस्ट्री एंड कल्चर के अंतर्गत हम लोग वैदिक संस्कृति को समझने का प्रयास करें। वैदिक संस्कृति जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, एक महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में संस्कृति का चरण है, और इससे वैदिक संस्कृति का जो विकास है इसे दो वर्गों में हम लोग बांटते हैं। एक तो ऋग वैदिक, जो कि 1500 से 1000 BC के क्रम में इसका विकास हुआ, और दूसरा उत्तर वैदिक, जिसका विकास 1000 से 500 BC के बीच हुआ। वैदिक संस्कृति भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, लेकिन जब वैदिक संस्कृति का अध्ययन करने जाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यन थे। तो जब से जैसे ही हम वैदिक संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही एक प्रश्न उठता है कि आर्यन कौन थे? क्या उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था या भारत में प्रवसन किया था? प्रवसन किया था तो उनके प्रवसन का मार्ग क्या था? उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? वैदिक आर्य भारत के किन भौगोलिक क्षेत्रों में ऋग्वैदिक कालखंड में निवास करते थे, और उत्तर वैदिक कालखंड में किन क्षेत्रों में उनका प्रसार हुआ? वैदिक आर्यन की भौतिक विशेषताएं क्या थी? उनके जीवन के तरीके क्या थे? उनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? उनके राजनीतिक संगठन किस प्रकार के थे? उनके धार्मिक जीवन किस प्रकार के थे? और क्यों वर्तमान भारत में भी हम वैदिक संस्कृति को लेकर गौरवान्वित होते हैं? वैदिक आर्य की जो संस्कृति है, उसके पहले का भारत कैसे था? क्या उसके पहले भारत में किसी प्रकार का सांस्कृतिक विकास पाया गया था? भारत में जो इसके पहले की सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया थी, उसके निर्माता कौन थे? इस तरह के प्रश्न हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उठते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि आर्य कौन थे? आर्य भारत में बाहर से आए थे या भारत के मूल निवासी थे? अब देखो, इसके संदर्भ में इतिहास के अंतर्गत, समाज विज्ञान के अंतर्गत बहुत तरह के हाइपोथीसिस प्रचलित है, तो हमें उस हाइपोथीसिस में नहीं जाना है। लेकिन हाल के वर्षों में जो अध्ययन किए गए हैं, चूँकि मैक्स मुलर एक जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन फिलोसोफर थे, समाजवेता थे, तो मैक्स मुलर ने भाषाई आधार पर आर्यन का जो अध्ययन किया, वैदिक आर्यन का जो अध्ययन किया, उसके आधार पर मैक्स मुलर ने एक विचार प्रतिपादित किया था कि वैदिक आर्यन मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वैदिक आर्यन मध्य एशिया के मूल निवासी थे, और वे मध्य एशिया से ईरान होते हुए और फिर ईरान से भारत में प्रवसन किए थे। एक कॉन्सेप्ट ये अभी भी बहुत मजबूती के साथ ये कॉन्सेप्ट पाई जाती है कि शुरू में लोगों ने बातें किया, मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में, उसका कई पश्चात्य विद्वानों ने समर्थन भी किया, लेकिन अब यह माना जाता है कि आर्य भारत में प्रवसन किए थे, न कि आर्यों ने भारत में आक्रमण किया था।
दूसरा जो मध्य एशिया का जो डिबेट था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं या आर्य जो है आनातोलिया से आए हैं या आर्य यूक्रेन से आए हैं या रशिया से आए हैं, तो अलग अलग जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों में हाल के वर्षों में जो मध्य एशिया का सिद्धांत है डीएनए एनालिसिस के आधार पर ये पाया गया है कि मध्य एशिया का जो वैदिक आर्यों के मूल निवास के स्थान के रूप में मध्य एशिया की जो पहचान थी और मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे, ये डीएनए प्रमाणों के आधार पर अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रमाणिक है। और इसलिए क्योंकि जो मध्य एशिया के आर्यन जो कम्युनिटी है, चूँकि आप जानते होंगे कि आर्यों की संस्कृति की जो बात करते हैं तो एक इंडो यूरोपियन भाषा समूह की भी बात करते हैं, हिंद यूरोपियन भाषा समूह। और इतिहासकारों का, समाजवेत्ताओं का यह मानना है कि मध्य एशिया में प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषाई समूह के लोग रहते थे और इंडो यूरोपियन भाषा समूह के लोग उसी के वंशज हैं। और इंडो यूरोपियन भाषा समूह जब मध्य एशिया से ईरान की ओर ईरान में आता है तो ईरान में ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी इंडो यूरोपियन भाषा समूह और एक पश्चिमी इंडो यूरोपियन भाषा समूह। तो पश्चिम की ओर अनातोलिया होते हुए यूनान की ओर जाते हैं जिससे यूरोप में आर्यन संस्कृति का विकास होता है, और पूरब में एक तो ईरान में रह जाते हैं कुछ, और कुछ ईरान से भारत की ओर आते हैं जिसमें भारत में आर्य संस्कृति का विकास होता है। ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये भाषा के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आया है, जिसके संदर्भ में मैक्स मुलर ने बहुत महत्वपूर्ण वर्क किए थे। मैक्स मुलर ने भाषाई आधार पर यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि जो लैटिन भाषा है और संस्कृत भाषा है उसमें काफ़ी समानताएं हैं और दोनों के पूर्वज एक ही थे, और इस कारण से उसी के वंशज कुछ यूरोप चले गए, कुछ इंडिया आ गए, और इसलिए अब माना जाता है कि आर्यन मध्य एशिया से भारत आए थे। दूसरा कि मध्य एशिया से पहले कॉन्सेप्ट था कि वो मध्य एशिया से भारत पर अटैक किए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के मूल निवासियों को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद उन्होंने भारत में आर्यन संस्कृति का निर्माण किया था। अब भी इस कॉन्सेप्ट को अस्वीकार किया जाता है और यह माना जाता है कि आर्य भारत में प्रवेशन किए हैं, माइग्रेशन किए हैं, आक्रमण नहीं किए। तीसरा, जब ये जो सवाल उठाया जाता है कि आर्यन कौन थे, तो आर्यन हिंद यूरोपीय भाषा समूह थे, ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह के लोग थे, पहला चीज। दूसरा, आर्यन की एक विशिष्ट संस्कृति थी, जिस आर्यन की बात हम कर रहे हैं इससे आर्यन की एक विशिष्ट संस्कृति थी, यानी आर्य जो संस्कृति है, यहाँ जो आर्य संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, ये आर्य संस्कृति जो है इंडिया की आर्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, ईरान की आर्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, अनातोलिया की आर्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, और यूनान के भी आर्य संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब वे आर्यों की संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो आर्यों की संस्कृति के अध्ययन के जो स्रोत हैं, इस अध्ययन के स्रोत को अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारे पास इसके आरंभिक जो चरण है उसके अध्ययन के लिए हमारे पास ऋग्वेद है, फिर अवेस्ता जो है ईरानियों का ग्रंथ है, जैन अवेस्ता, अवेस्ता में भी है, और होमर जो यूनानी कवि होमर है, इसने इलियड और ओडिसी नामक काव्य की रचना जो की है, इस इलियड एंड ओडिसी, जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, और इसके साथ साथ कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं जो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं, अनातोलिया से प्राप्त हुए हैं,
रूस से भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनको मिलाकर के इतिहासकारों का एक वर्ग है, एक ग्रुप है, जिन्होंने आर्यों की संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान की है। और आर्यों की जो संस्कृति है, ये जो संस्कृति मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राचीन ईरान में भी समानता है, मध्य एशिया में भी समानता है, यूरोप में भी समानता है और भारत में भी समानता है। तो आर्यों की जो संस्कृति है, जिसके बारे में हमारे ऋग्वेद, अवेस्ता और हुमर की इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्य से जो कुछ मुख्य विशेषताएं हमें आर्यों के बारे में प्राप्त होती है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला चीज़ तो घोड़ा, राइट? दूसरा चीज़ रथ, तीसरा चीज आड़ी वाला पहिया। ध्यान ये रखना है कि जब इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आड़ी वाले पहिया का उपयोग नहीं किया जाता है। आड़ी वाले पहिया का मतलब है कि जो इनकी जो जिस चक्का का इस्तेमाल करते थे उसमें इस तरह के आड़ी बने हुए थे, राइट? इसके बाद दाह क्रम, इसके बाद अग्नि पूजा, बलि, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, युद्ध प्रियता, ये आर्यों की जो संस्कृति है, इस संस्कृति की विशिष्ट विशेषता है। अगर हम कहें कि इस तरह की विशिष्ट विशेषता जो है ईरान में भी हमें अवेस्ता में मिलती है, होमर की इलियड और ओडिसी जो काव्य है उसमें भी उस समय की संस्कृति के बारे में इस तरह की विशेषताएं मिलती है और ऋग्वेद में भी मिलती है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो एक तरह से जिस आर्यन संस्कृति की अब बात करते हैं और जिसको हम मध्य एशिया से रिलेट करके यहाँ ला रहे हैं कि मध्य एशिया से आर्यों ने भारत में प्रवेशन किया, तो ये विशिष्ट विशेषताएं भारत में भी आर्यों की संस्कृति में दिखाई देती है। और